हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और तोरण डिजाइन बना के दिखाऊंगी, जिसकी एक पेटल मैंने बना रखी है और एक मैं बना के दिखाने वाली हूँ बचे हुए पार्ट पर। इसकी स्टार्टिंग तोरण पट्टी से करेंगे। तोरण पट्टी का डिजाइन हमने पहले भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो उसके भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे और थोड़ा स्टार्टिंग बना के दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तोरण पट्टी की स्टार्टिंग हम 9 चेन से करेंगे। 9 चेन पर 7 डबल क्रोशिये बनाने हैं। नाइन चेन 7 डबल क्रोशी, 2 चेन स्टार्टिंग की छोड़ के। तो ये देखिए, ये 7 डबल क्रोशी बन गए हमारे। 3 चेन ले लेनी है नेक्स्ट राउंड के लिए और 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएंगे। अभी 4 चेन लेंगे और लास्ट के 2 रख लेंगे। बीच में नहीं बनाएंगे, लास्ट वाले 2 बना लेंगे। 4 चेन मैंने बीच में ली हैं। तीन चेन ले लेनी है नेक्स्ट राउंड के लिए और 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो स्टार्टिंग और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे या 3 ले सकते हैं, 3 या 2 में से, या बंद है। फिर 3 चेन लेनी और लास्ट के दोनों बना लेने। ये बिल्कुल आसान सा डिजाइन है तोरण पट्टी के लिए। अगर आप और कोई डिजाइन के बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इस तरह से मैं कंटिन्यू लेंथ के हिसाब से बना लूंगी। वापिस से 4 चेन लेके स्टार्ट कर देंगे। वन टू थ्री चेन बांध लेना है, फिर 3 चेन और लास्ट के 2 बना लेने डबल क्रोशिए। तो इस तरह से हम डिजाइन डाल लेंगे तोरण पट्टी का। ये देखिए, ये बिल्कुल आसान सा डिजाइन है। ये देखिए, इसी तरह से ये मैंने बना के तैयार कर लिए। और इसमें मैं फिनिशिंग नहीं करूंगी, इसमें मैंने पेंसिल फ्लावर बनाए हुए हैं, ये मैं लगाऊंगी इस पर, एक बीच में और 2 साइडों में, एक इस वाली साइड पे किनारे पे और एक इस वाले लास्ट पे। तो मैं 3 फूल लगाऊंगी इसमें, आप चाहें तो बीच में भी लगा सकते हैं। और तो अब डिजाइन स्टार्ट करेंगे पेटल का। ये डिजाइन भी बिल्कुल आसान है, आसानी से बना सकते हैं। देखिए, हाफ कर लेंगे, ये मैंने हाफ में बना लिया है और हाफ ये बचा हुआ है, तो इसमें एक पेटल और बन जाएगी। यहीं से स्टार्ट कर देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा होता है वो साइड में आ जाता है और फिर उसमें कोई बांध सकते हैं लटकन वगैरह। तो ये वाला पार्ट है जो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ये वाला जो कर रखा है। या बीच में साइज नाप के बीच से स्टार्ट कर सकते हैं या स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं।
फिर देखिए स्टार्टिंग में 5 चेन लेनी है और फिर तोरण पट्टी के 2 राउंड। ये देखिए मैं 2 राउंड छोड़ के थर्ड में इसे इस तरह से, अगर ये वाला सेम ऐसे ही रखना है तो हम यहाँ पर डबल क्रोशे स्टार्टिंग करेंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया और, ये देखिए फिर 5 चेन। दो राउंड छोड़ के तो उन पट्टी के थर्ड में बांध लेना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 5 चेन और डबल क्रोशिया, 2 राउंड छोड़ के। तो ये वाला राउंड ऐसे ही कर लेंगे पूरा और काउंट करके बनाएंगे जितने ये वाले बॉक्स इसमें बने हैं सेम ऐसे ही हमारे ये 6 बने, तो इसमें भी हमें 6 बनाने हैं। एक यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तो इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये वाला राउंड बन गया है। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे 5 चेन लेके ही, 5 चेन, और इसमें हम 7 डबल क्रोशिये या कम ज्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैंने इसमें काउंट करके बनाए हैं तो ये 7 डबल क्रोशिये, तो 7 बना लूंगी इसमें भी जिससे हमारी दोनों पेटल्स बराबर आए। फिर 5 चेन 3 4 5, और जो ये 5 चेन आई है ये हम यहीं पर बांध लेंगे इसी में, जो सिंगल क्रोशिया है इसमें सिंगल क्रोशिया से ही बांध लेना है। फिर सेम बना लेंगे ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये राउंड भी बना लेंगे। तो ये देखिए ये राउंड हो गया, अभी नेक्स्ट राउंड बताएंगे। अब हमें यहाँ चेन नहीं लेनी है तो मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लूंगी। इस तरह से हर एक चेन में ले लेंगे, एक डबल क्रोशिया ले लेंगे और नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। इसे छोड़ के यहां से बनाना शुरू करेंगे, 1 2 3 चेन। अभी यहां पर 5 डबल क्रोशिये बनेंगे, पांच, और दो दोनों साइड का छोड़ देंगे। ये देखिए इधर का ये छोड़ दिया, इधर का ये छोड़ देंगे। अभी हमें लेनी है 6 चेन, छह चेन लेके डायरेक्ट इसमें डालना है, नेक्स्ट वाले में यहां नहीं बनाना है, अब इस वाले में डाल लेंगे। तो इसका ये वाला छोड़ के इसमें डालना है, पहला डबल क्रोशिया छोड़ देना है, नेक्स्ट में डाल लेंगे 5 बना लेंगे। चार और ये 5, वापिस 6 चेन, 1 2 3 4 5 6, और डायरेक्ट इसमें डाल लेना है सीधा। तो इस तरह से ये राउंड मैं बना लूंगी। ये देखिए, तो ये देखिए ये राउंड भी तैयार कर लिया है। अभी यहीं से हमें यहाँ नहीं जाना है, यहीं से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे एक नेक्स्ट डबल क्रोशिया में। ये देखिए इस वाले को नहीं बनाएंगे, अब इसमें हम 2 चेन लेंगे और सिंगल
या हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूं मैं, आप सिंगल भी बना सकते हैं इसमें। और अब मैं लूंगी तीन चेन, 1 2 3, या फोर रख सकते हैं, 3 या 4 चेन ले लेंगे। और फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये यहाँ से वापिस हमारा ये पत्ते वाला डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसमें ये वाला डिजाइन स्टार्ट कर लेंगे वापिस से। 3 चेन और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। 5 डबल क्रोशिया थे उससे 3 हाफ डबल क्रोशिया बन जाएंगे। साइडों में 2 छोड़ने, दोनों साइड में एक एक। ये देखिए ये पूरा राउंड इस तरह से ही बनेगा, 1 2 3। एक डबल क्रोशिया चेन और 1 डबल क्रोशिया और, 3 चेन और ये बना लेंगे इधर। ये देखिए इस तरह से बना के ये वाला राउंड तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये राउंड हो गया, 3 हाफ डबल क्रोशिया ले लिए। अब वापिस टर्न करेंगे और बीच में एक स्लिप स्टिच लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे वापिस से। बीच में 3 हाफ डबल क्रोशिया थे, अब एक हो जाएगा वो 3 हाफ डबल क्रोशिया का। चेन ले लेंगे 3 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 7 हो गए, 1 2 3 चेन और जो ये 3 हाफ डबल क्रोशिया इस पे वापिस से बीच में 1 हाफ डबल क्रोशिया एकदम बीच में बनाने। वापिस से 7 डबल क्रोशिया इसमें। तो इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए अब ये डिजाइन तो हमारा यहां पर खत्म हो गया, ये स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए इस तरह से ये वाला डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया और ये दूसरा हमारा स्टार्ट हो गया। ये 6 पत्ते हैं, ये 5 है। अभी हम नेक्स्ट राउंड में इस वाले डिजाइन को नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। तो अब स्लिप स्टिच से जाना है, पांच डबल क्रोशिया बनाने। और वापिस 6 चेन वाला डिजाइन स्टार्ट कर देंगे बीच में, सीधा इसमें डालना। ये देखिए अब ये वाला डिजाइन खत्म हो गया, ये वाला स्टार्ट हो रखा है। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ये वाला स्टार्ट होगा। तो इसी तरह से ये पूरा डिजाइन हमें बना लेना है, कंटिन्यू कम होते जाएंगे और ये तैयार होता जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये डिजाइन हमारा बनके तैयार हो गया है, सेम इसके जैसा। ये देखिए अब हमें इसमें फिनिशिंग करनी है ये वाली, तो इसके लिए हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे और किस तरह से बनानी है वो दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो है इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पे, इसी में।
एक चेन लेंगे और इसको हम इससे पहले बांधना है, इसे यहां पर बांध देंगे। एक चेन और फिर इसमें डालेंगे, तो इसी तरह से किनारे किनारे सभी में कर लेंगे, इसमें, उसके बाद इसमें, 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 इस तरह से ये पूरा बना लेना है, इसकी फिनिशिंग हो जाएगी।